Hello, hello, hello. This is Captain Jack Sparrow and I'm back with another YouTube video. Today I'm going to talk about dolphins in the very, very famous, now very famous Document X, which is part of Green series. All right. So what we're going to do is we're going to discuss about dolphins. But before that, I just want to make one correction in the previous video. So guys, as you know that in previous video, I talked about lion. In which I compared Asiatic and African lion, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक mistake हुई, and mistake is ये जो है वो Asian होगा और ये जो होगा वो African होगा, तो इनको please आप interchange करके कर सकते हैं. This is one error that exists, तो please इसको आप अपने अपने understanding में बना लीजिए कि ये एक गलती हो गई थी. I am so sorry for that. Anyways, dolphins से start करते हैं. तो dolphins में पहले तो बेसिक अपने को पता होना चाहिए, जैसे डॉल्फिन्स क्या होते हैं, दीज आर मैमल्स, ठीक है. आई होप इतना तो पता ही होगा सबको. अब जनरली डॉल्फिन्स जो रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, सी वाटर में रहती हैं, ठीक है, या सॉल्टी वाटर में रहती हैं. बट देर आर वेरी फ्यू स्पीसीज सच एज गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और अमेजॉन रिवर डॉल्फिन जो कि एक्सेप्शन है टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट, एंड दे लिव इन फ्रेश वाटर, तो इनको फ्रेश वाटर डॉल्फिन भी बोलते हैं. ओके, अब हम चर्चा करते हैं बेसिकली गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन. अब नाम बता रहे हैं कि गंगा में पाया जाएगा, तो क्या ये ओनली इंडिया में पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. एज यू कैन सी कि ये कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है, और इंडिया में तो ऑब्वियसली पाई जाती है. कहाँ कहाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, आई होप मेघना जो है वो रिवर बांग्लादेश में पाई जाती है, एंड देन यू हैव सप्त कोसी रिवर नेपाल में. इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू कैन सी कि यहाँ नेपाल में पाई जा रही, बांग्लादेश में पाई जा रही है, एंड यहाँ पर नेपाल में पाई जा रही है. ओके, अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज कम दे रखी हैं ऑल दो, बट थोड़ी प्रॉपर्टीज गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ फंक्शनली ब्लाइंड, ठीक है, ये फंक्शनली ब्लाइंड है, देख नहीं सकती है, लेंस नहीं है इसके पास, ठीक है. तो साइंटिस्ट बोलते हैं चूंकि लेंस नहीं है तो फिर जो है इमेज नहीं बन सकती, बट ऑल्दो और दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी जो आई है इज एक्चुअली सेंसिटिव, ठीक है, तो लाइट के लिए इट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. एंड ये जनरली कहाँ पाई जाती है, डीप वाटर में पाई जाती है. कहाँ पाई जाती है, डीप वाटर में. शेलो वाटर में जनरली नहीं पाई जाती. इसका मतलब ये नहीं है कि शेलो वाटर में पाई ही नहीं जाती, इनफैक्ट क्योंकि ये डीप वाटर में पाई जाती है, पर ऑब्वियसली आप गंगा में रहोगे तो शैलो वाटर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप कैसे सर्वाइव करोगे. तो देर इज समथिंग कॉल्ड साइडवेज स्विमिंग, ठीक है. तो दिस पर्टिकुलर स्पीसीज हैज अडप्टेड टू शैलो वाटर्स इन सम प्लेसेस इन गंगा, जहां पर वो साइडवेज स्विमिंग करती है. दिस इज वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन, कॉल्ड एज साइडवेज स्विमिंग. ऑल दो साइडवेज स्विमिंग और भी जगह पाई जाती है, इंडस रिवर में भी पाई जाती है, क्योंकि वो भी शैलो वाटर कहीं कहीं मिलेगा उनको, तो दे हैव टू सर्वाइव देयर, ठीक है. और ये फिशेस को खाती है और दूसरे तरीके के जानवरों को, दे हंट देम. अब चूंकि आई जस्ट मेंशन दैट ये दीज आर फंक्शनली ब्लाइंड, तो ये चलती कैसी हैं, तो दे यूज इको लोकेशन, ठीक है, इको लोकेशन का यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर चलना बट ऑल्सो फॉर प्रेइंग. तो प्रे करते समय भी जब वो प्रे को खाती हैं तब भी इको लोकेशन का यूज करती हैं. ये ना बेसिक फैक्ट्स हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, पता होने चाहिए, क्योंकि UPSC गैंगेटिक डॉल्फिन को पिछले 10 साल में 3 या 4 बार पूछ चुकी है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए. और रिसेंटली, अब क्योंकि हम कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर्स करते हैं, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन वॉज ऑल्सो स्टार्टेड, ठीक है, 2020 में, तो वो भी अपने को याद रखना है, ठीक है. एक स्नाउट होता है इसके आगे, आई होप यू गाइज नो, ठीक है, ये डॉल्फिन ऐसे होती है, तो यहाँ पे एक स्नाउट होता है, एंड दिस स्नाउट इन सम फीमेल्स इज एज लार्ज एज 20%, ठीक है, 20% पूरे शरीर का ये हो सकता है, इतना बड़ा भी ये स्नाउट पाया जा सकता है कहीं कहीं पर. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो पूछ लेगा UPSC थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अब तक जो है बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, पर अब थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है गैंगेटिक डॉल्फिन को, ठीक है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं. बिकॉज टीम 11 का मतलब क्या है कि दीज आर द स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़नी है, क्योंकि UPSC माइट एक्चुअली आस्क दीज स्पीसीज, ठीक है. अब बात करते हैं, तो जनरली दे रिमेन अलोन, ठीक है, जनरली ये जो रहती हैं वो अकेली रहती हैं. तो आप देखोगे कि जब TV पे भी दिखाते हैं कि कहीं गैंगेटिक डॉल्फिन मारी गई या कुछ हो गया, तो आप देखोगे जनरली अलोन रहती हैं, अकेले पाई जाती हैं. कभी कभी जो है 3-4-5 लोगों के ग्रुप में भी ये पाई जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि उनका बिहेवियर उस पर्टिकुलर डे पर या उस उन पर्टिकुलर
सीजन में कैसा है, बट मोस्टली दे लिव अलोन, अकेला सॉलिटरी एनिमल्स हैं ये, बहुत ज़्यादा मिल के रहती नहीं है, ठीक है। ऑल्सो ये मतलब इंसानों से बहुत दूर भागती हैं, दे आर वेरी शाई, ठीक है, इंसान से बहुत दूर भागती हैं, दे आर वेरी शाई टूवर्ड्स ह्यूमन। तो लोग, हम इंसानों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करती, अब पता ही है क्यों नहीं पसंद करती हैं, ठीक है। बहुत पुरानी स्पीसीज है यार ये, मतलब सेंचुरीज एंड पता नहीं कितनी पुरानी है ये, तो पूरी हिस्ट्री गंगा की जो है आप पढ़ने जाते हो तो आप देखते हो कि गंगेटिक डॉल्फिन वहाँ पर मैंशन होती है। क्या थ्रेट्स चल रहे हैं साहब, ठीक है, थ्रेट्स भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्या थ्रेट्स चल रहे हैं, सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है डैम। तो बहुत सारे छोटे छोटे डैम, बड़े बड़े डैम हमने गंगा रिवर पर बना दिए। तो आप बोलोगे सर डैम से क्या दिक्कत है, अरे डैम से भाई आप फ्रेश वाटर को कर्टेल कर रहे हो ना, फ्रेश वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोसिस्टम, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई फ्लो कॉन्सेप्ट लेके आई थी, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा TTS में, मैं ऑलरेडी इसको ऑल्दो कवर कर चुका हूँ, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने TTS सॉल्व नहीं करी है, तो ई फ्लो ऑफ गंगेटिक गंगा रिवर एंड अदर रिवर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेश वाटर चाहिए होता है, फ्रेश वाटर से क्या होगा, डीसिल्टिंग होगी, ठीक है, गंदगी निकलेगी। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ना ये, मतलब गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में रहती है ना, तो फ्रेश वाटर चाहिए होगा मेरे को। उसके अलावा फिशिंग की वजह से बहुत सारी मारी जाती हैं, फिशिंग में ऑयल यूज़ होता है तो वो ऑयल से दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ट्रैप में फंस के आ जाती हैं, मारी जाती हैं, क्योंकि डीप इलाके में ही तो सारी फिशेज रहती हैं, वहीं इनके प्रे रहते हैं, वहीं पर ये हमला करती हैं, छोटी छोटी फिशेज को खाती हैं, और वहीं उन्हीं को पकड़ने के लिए हम लोग चाहते हैं, इंसान चाहते हैं, तो कभी कभी ये गंगेटिक डॉल्फिन भी उनमें फंस के आ जाती हैं, ठीक है। ये मेन जो दिक्कतें हैं वो ये दो तीन ही हैं। बाकी अब जैसे UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि गंगेटिक डॉल्फिन को क्या थ्रेट है, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दे दिया था कि भाई जो है क्रोकोडाइल स्पीसीज बढ़ गई हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। तो वो आप प्लीज़ जस्ट बी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट क्रोकोडाइल से इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल के बढ़ने से इनकी स्पीसीज कम नहीं हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज क्रोकोडाइल्स, सम स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल डू हंट अदर एनिमल्स, बट ये गंगेटिक डॉल्फिन को दे कांट ईट, ऑब्वियसली बहुत बड़ी होती हैं यार ये, ठीक है। और आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, रिसेंटली गंगेटिक रिवर डॉल्फिन का एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कौन सी स्टेट ने बनाया है, कहाँ पर बनाया है, पूछा जा सकता है UPSC के द्वारा भी। लेट अस क्विकली मूव टू इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इंडस रिवर डॉल्फिन क्या है साहब, तो इंडस रिवर डॉल्फिन नाम से पता पड़ रहा है इंडस एरिया में पाई जाएगी, पर क्या सिर्फ इंडस में पाई जाएगी, नहीं, ये इंडिया में भी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ब्यास नदी में पाई जाती है। कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि ब्यास नदी के कौन से, ब्यास नदी जो है वो कौन से जगह से ऑरिजिनेट होती है, तो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ब्यास नदी, UPSC पूछ सकती है, ठीक है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो एंडेंजर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन और गंगेटिक डॉल्फिन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन फलाना डिमका, दे आर इन फलाना डिमका। टुडे दे कैन ओनली बी फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द इंडस रिवर एंड रिवर ब्यास, दे प्रेफर डीप वाटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दे हैव एडप्टेड टू लाइफ इन द मडी रिवर एंड आर फंक्शनली ब्लाइंड, दे आर ऑल्सो फंक्शनली ब्लाइंड एंड दे आर इंडिकेटर ऑफ द फ्रेश वाटर। तो ये जनरली जो है मडी वाटर में रहती हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में रहती हैं, जस्ट लाइक अमेजोन डॉल्फिन्स, ठीक है। दे रिलाई ऑन इको लोकेशन, दे ऑल्सो रिलाई ऑन इको लोकेशन, स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब एंड इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक बार UPSC ने यही पूछ लिया था। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड, फलाना डिमका, ज़्यादा काम का नहीं है इसलिए मैं पढ़ा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इरावडी डॉल्फिन, इरावडी रिवर कहाँ पर पाई जाती है, इसका सोर्स क्या है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का है। बिसाइड इरावडी रिवर इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडियाज गंगा एंड चिल्का लेक, तो ये नहीं है, जैसे ये आप ये समझो यहाँ पर सिर्फ रिवर ब्यास में पाई जा रही है, पर यहाँ पर सिर्फ गंगा में या चिल्का लेक में, दो जगह पाई जा रही है, ठीक है। दे प्रेफर इन द एस्चुरीज एंड ब्रैकिश वाटर, बट दे कैन ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर, बट दे ऑल्सो प्रेफर सॉल्टी सॉर्ट ऑफ वाटर। एंडेंजर्ड रिवर, एंडेंजर्ड वो है स्पीसीज है। देन कम्स दी लास्ट वन, जो UPSC एक बार इसको भी पूछ चुकी है, सो लास्ट वन इज ऑब्वियसली दी हम्ड बैक डॉल्फिन, जो कहाँ पाई जाती है, जनरली देखने को मिलती है गुजरात में, तो वेस्ट कोस्ट गुजरात महाराष्ट्र में यहाँ देखने को मिलती है। सो कोस्टल वाटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका इन द साउथ, नॉर्थवर्ड्स अराउंड द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, थ्रू आउट मिडिल ईस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दीज डॉल्फिन्स। थोड़ा और इनके बारे में पढ़ें, ठीक है, कि क्या किया जा रहा है। जैसे कि एक फैक्ट बताता हूँ, कैट्स, आई होप यू गाइज नो वॉट इज कैट्स, ठीक है। तो जैसे हमने टाइगर के लिए जो कंजर्वेशन हम कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए हमने क्या डेवलप किया है, भाई हमने डेवलप किया है एक टूल जो बताता है कि गिविन कंजर्वेशन रिजर्व कितना सेफ है, कितना
अच्छा है कितना बुरा है, इफेक्टिवनेस अगर मेरे को चेक करनी है किसी भी कंजर्वेशन एरिया की, तो उसके लिए मैंने टाइगर्स के लिए कैट्स किया है। ऐसे ही मैंने रिवर डॉल्फिन के लिए कार्ड्स नाम का एक स्टार्ट किया है, WWF ने मिलकर ये चालू किया है। इट इज़ अगेन कार्ड्स इज ऑल्सो अ टूल जिसके थ्रू मैं क्या पता लगा रहा हूँ कि जो मेरे जो मेजर्स हैं, जो मैं फोकस कर रहा हूँ कि भाई मैं इन स्पीसीज को बचाऊंगा, कितने इफेक्टिव हैं और उसमें क्या किया जा सकता है। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड। ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन्स एंड विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज नाउ ओवर। तो वी आर नाउ डन विद आर टीम 11 स्पीसीज। फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स और मे बी इन द नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल बी डिस्कसिंग सेक्शन बी स्पीसीज, जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। ऑल दो आई हैव चेक द कंपाइलेशन। थैंक यू शुभम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल कंपाइलेशन फॉर द कम्युनिटी। स्टिल हम जो है कल से हम सेक्शन बी ऑफ द ग्रुप स्पीसीज को डिस्कस करेंगे।